दोस्तों, मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आज की इस खास वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि इंडिया टीम के जो टेस्ट मैच होने वाले हैं उनका पूरा शेड्यूल क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप टीम इंडिया को टेस्ट की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम मानते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड के साथ उनके 5 मैचों की सीरीज होनी है, लेकिन कब होनी इस बात की जानकारी देंगे और टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बताएंगे। पहले टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि इंडिया का फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ खेला जाना है साउथहैम्पटन में 18 से 22 जून के बीच, और इसके बाद 4 अगस्त से 14 सितंबर के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। टीम इंडिया में नियमित 20 खिलाड़ियों के अलावा 4 खिलाड़ियों को स्टैंड बाय के रूप में रखा गया है, ताकि आने वाले समय में उनकी जरूरत पड़े तो टीम में उनको जगह दी जा सके। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 4 से 8 अगस्त तक नॉटिंगहम में होगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट 12 से 16 अगस्त तक लंदन के लॉर्ड्स के मैदान पर होगा। तीसरे टेस्ट की बात करें दोस्तों, तो 25 से 29 तारीख के अगस्त के तारीख में होगा, और चौथा जो होगा 2 से 6 सितंबर तक लंदन के द ओवल मैदान पर होगा। सीरीज का 5वां टेस्ट मैच 10 सितंबर को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। 18 से 22 जून दोस्तों होगा फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। ये आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी है, फाइनल मुकाबले की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी है। अब इसमें जो टीम का ऐलान किया गया है इंडिया की स्क्वाड का, वो भी आपको बता देते हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, कप्तान विराट कोहली, उनके साथ उपकप्तान अजिंक्य रहाणे। इस बारे में बात करेंगे दोस्तों कि अजिंक्य रहाणे को उपकप्तान क्यों बनाया गया है, रोहित शर्मा को उपकप्तान क्यों नहीं बनाया गया, ठीक है। हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव। दोस्तों, यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की जगह क्या दीपक चहर अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे? अगर हाँ तो कॉमेंट करके बताइएगा। केएल राहुल, जिनकी फिटनेस पे अभी थोड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपनी एक सर्जरी कराई है अपेंडिक्स की, तो जब तक वो सही नहीं हो जाते तब तक वो फिटनेस के टेस्ट पार करके नहीं आते तब तक उनको टीम में जगह नहीं मिलेगी। इसी के साथ इस लिस्ट में नाम रिद्धिमान शाह का भी है, क्योंकि उनकी फिटनेस पर भी सवाल है और वो अभी हाल ही में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो रिद्धिमान शाह को भी देखना होगा। अब इसके बाद जो स्टैंड बाय पे खिलाड़ी रखे गए हैं उसमें अभिमन्यु ईश्वरन है, प्रसिद्ध कृष्णा है, आवेश खान है, अर्जुन नागसवाल है। तो दोस्तों, अर्जुन नागसवाला के बारे में, अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि ये खिलाड़ी कौन है जिनको स्टैंड बाय पे टीम इंडिया ने रखा है। तो ये दोस्तों पूरा शेड्यूल है टीम इंडिया का, आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि रोहित शर्मा को उपकप्तान क्यों नहीं बनाया गया, अजिंक्य रहाणे को उपकप्तान क्यों बनाया गया, और ये जो स्टैंड बाय पे खिलाड़ी इनको स्टैंड बाय पे रखने का और ये इनका क्या रोल रहता है, ये भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।